हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनके यहाँ पत्ता भी हिलता है तो उसका दोषी इंडिया होता है। कल इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 297 रन बांग्लादेश के खिलाफ। अब पाकिस्तानियों को कैसे हजम हो जाए कि इंडिया ने 297 रन बना दिया, इंडियन क्रिकेट इतना अच्छा खेल रही है, तो वो आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि उनका पहले से ही काम है यही कि सिर्फ वो इंडियन क्रिकेट की बुराई कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के इकोनॉमी का हाल तो आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की क्रिकेट दोनों गर्त में जा रही हैं। तो मैं भी सोशल मीडिया पे उनके रिएक्शन देख के हैरान रहा था। पाकिस्तान पर एक चीज आप हंसिए तब होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत फ्लैट ट्रैक बना रहा है। ठीक है, हम बना रहे हैं, हम 2020 खेल रहे हैं। हम क्या खेल रहे हैं? 2020 जो इंटरटेनमेंट के लिए क्या खेला जाता है वो बैट्समैन का काम होता है। 2 दिन पहले आप फ्लैट ट्रैक बनाकर हारे हो। उनका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ भारतीय क्रिकेटर, भारतीय बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेटर फ्लैट ट्रैक पे परफॉर्म करते हैं या फ्लैट ट्रैक से बैट्समैन है। आप अपनी देखो, आपके यहां तो आपके बल्लेबाज फ्लैट ट्रैक भी नहीं, पे भी नहीं रन बना पा रहे हैं। जिस पे इंग्लैंड 900 रन बना रहा है उस पे आपकी टीम 200 रन पे ऑल आउट हो जी, उस फ्लैट ट्रैक पे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही है। और मैं कल से मुझे हंसी आ रही है किस बात की बताएं कि भारत में सेलेक्टर बनाया, हर हर टीम में सेलेक्टर किसी क्रिकेटर को बनाया जाता है। नो डाउट मैं अलीम दार को कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप हंसोगे कि पाकिस्तान में सेलेक्शन कमेटी में किसको रखा गया है? अलीम दार को, जो कि अंपायर है, ठीक है, एलीट पैनल, आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर है। उनको काम दे दिया गया है टीम सेलेक्ट करने का। जहां तक कि आज हमको जो न्यूज आ रही है, उनका किंग जिसको पता किंग कर लेगा, किंग भी टीम से बाहर हो रहा है। आपका किंग जिसे आप विराट कोहली से कर रहे कंपेरिजन कर रहे थे, उसको आपको अपने देश में बाहर करना पड़ रहा है अपने देश की परफॉर्मेंस में, समझ रहे। अगर इंडिया इंग्लैंड आएगी या आती है तो आप देखते हैं भारतीय बल्लेबाजों, भारतीय टीम का हाल कि किस तरीके से डोमिनेंट अपनी होम पिचेस पे करते हैं। अगर शायद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड जाना हुआ तो इस समय पाकिस्तान का क्या हाल होगा जब आपके बल्लेबाज फ्लैट ट्रैक पे इतना नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान से जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने यहाँ की कमियां देखिए ना। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, हमको पता है हमें अपने क्रिकेट के साथ क्या करना है। अगर हम अपनी बी सी टीम बना देना तो आपके पाकिस्तान में वो परफॉर्म करके आपको हरा के आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास स्पिनर आपके अच्छे हैं, आपके पास एक समय हमसे अच्छे तेज गेंदबाज थे। आप देखिए वो नाम के गेंदबाज हैं, नसीम शाह, साहिन अफरीदी नाम के गेंदबाज हैं, जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इनको कूट के चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपना देखे तो ज्यादा बेटर है। हमारी इकोनॉमी भी अच्छा चल रही है, हमारा देश भी अच्छा चल रहा है और हमारे क्रिकेट को तो आप देख ही रहे हैं और एक से एक क्रिकेट रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, हम अपनी मर्जी से पिचेस बनाएंगे क्योंकि हमारे टीम को खेलना है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बनाओ, बना तो रहे हो। जिस बांग्लादेश को आप 2-0 से हार के आए हो, टेस्ट में हमने उनका क्या किया, वनडे में 2020 में क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आप। तो आप हमारे बारे में सोचना बंद करें, आप अपने देश के बारे में सोचें। हाँ, आप कोच एक रेफरी को बनाए, ठीक है ना, अंपायर को सिलेक्टर, रेफरी को कोच, आप इसी तरीके से बनाते रहें, आपकी क्रिकेट आगे जाएगी।